हेलो गाइस, कैसे हैं हम सब? होप अच्छे होंगे। मैं बहुत ही अच्छी हूँ। तो गुड मॉर्निंग, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का मेरा ब्लॉग चालू होता है किचन के अंदर, क्योंकि मैं बना रही हूँ चाय और मेरी पूजा हो चुकी है। और गाइस, बच्चे देखो कुछ इस तरीके से सो रहे हैं कि घर की है कुछ इस तरीके से, इतनी बुरी हालत ये। और क्योंकि नंद आ रखी है अपने समर वेकेशन बनाने के लिए घर पे, तो बस मस्ती हो रही है। खूब लेट नाइट जगना, लेट नाइट सोना, लेट मॉर्निंग तक सोना, खूब मस्ती, हम खूब इंजॉय कर रहे हैं घर के अंदर। और बस तरुण भी नीचे बैठा हुआ है, अब वो आएगा, नाश्ता बना रही हूँ उसके लिए, तरुण के लिए। बच्चे अभी तक सो रहे हैं, मैं उठाऊँगी नहीं क्योंकि बच्चे करते हैं काफ़ी परेशान। तो अपना नाश्ता करने के बाद अपनी नींद पूरी कम्प्लीट करिए, क्योंकि चार चार बजे तक जगे रहना। हमें तो खूब इंजॉय, हम खूब मस्ती कर रहे हैं। तो गाइस, बस घर करने जा रही हूँ। एक तरफ चाय चढ़ा दी मैंने और जा रही हूँ चाय चढ़ा के, और उसके बाद मैं कपड़े बाहर डालने जा रही हूँ। और बस बच्चों को मैं अभी उठाऊँगी नहीं, थोड़ी देर बाद उठाऊँगी नाश्ता करने के बाद, क्योंकि बच्चे बहुत ही फिर उठेंगे, फिर मुझे परेशान करेंगे। तो इसलिए बस पहले अपना चाय नाश्ता करूँगी और फिर उसके बाद ही उठाऊँगी बच्चों को। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस, बच्चे फाइनली उठ चुके हैं सो के, और उठते ही पापा जी का फोन मिला, उठते ही दूध बना रही हूँ इनका। तो निकल गए इसके, तो गाइस पुरु और ने तो अपना पीनट एंड बटर लिया है, और रुद्र सम्राट को तो उठते के साथ ही अभी ये मम्मी निप्पल में दूध दे दो, मुझे निप्पल में दूध दे दो, बस इनको दूध दे रही हूँ। और चिकी पराठे खाएगा क्योंकि वो तो खाते, उसका तो पेट नहीं है, कुआ आए हैं वो तो बस। बस अब इनको नाश्ता दे रही हूँ, डेढ़ बज रहे हैं और डेढ़ बजे इनका नाश्ता हो रहा है। और फिर चाहूँ अब तो घुमाऊंगी वाटर पार्क। पापा कह रहे हैं कटिंग करवा के लाऊंगा इसकी आज मैं। तो चलिए गाइस, बच्चों को दे दूं पहले नाश्ता। तो चलिए गाइस, तो अब बच्चों को दे दिया है मैंने नाश्ता, तो अब करते हैं थोड़ा घर का हो गया चेंज, क्योंकि बहुत हो रहा है खराब। तो बस अब बेडशीट साफ कर लूँ पहले, फिर झाड़ू लगाऊंगी, फिर किचन साफ करूँगी, और फिर चलिए गाइस, तो झाड़ू लगाती हूँ सबसे पहले और फिर मिलती हूँ वहाँ सफाई करने के बाद। और बच्चे कर रहे हैं वहाँ पे नाश्ता। हाँ, तो चलिए गाइस, सारा काम हो चुका है घर का, और बच्चे अब नहा रहे हैं। तो चार बज रहे हैं, चार बजे तो इनका नहाना हो रहा है, क्योंकि लेट सो के उठना, कितने बजे उठे आज ये डेढ़ बजे उठे हैं सोकर आज ही, और घर में हो गई शांति क्योंकि दीदी के बच्चे जा चुके हैं दीदी के घर, मेरी जेठानी के घर पे, भैया के घर पे, बड़े भैया के घर पे गए हुए हैं, और मैं और बच्चे हैं अब यहाँ पे अकेले। तो बस अब वेट करेंगे, वो मेरे घर से शाम को आएंगे अब, और बच्चे और मैं घर पे अकेले हैं और बच्चे नहा रहे हैं। सम्राट ने अभी नहाया ही है क्योंकि इसके पैर में लगी हुई है चोट, और कल गिर चुका था ऐसे ही भगते भगते गिर गया, और फिर उसके बाद अब कह रहा है मम्मी मैं नहाऊंगा कैसे। तो बस अब नहाने जाएगा ये, मैं नहलाऊंगी इसको। पूरे घर में कीचड़ कर दी ना रुद्दू, घर काफी गंदा। तो बस अब मैं करूंगी सफाई, पाँच मिनट रेस्ट कर लूँ उसके बाद करूंगी सफाई। और ये देखो, ये है घर की हालत। बच्चों ने पूरे घर में खिलौने ही खिलौने गिर रखे हैं, और अंदर भी कर रखा है बेड वगैरह इतना गंदा। तो बस अब फाइव मिनट्स मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद करूँगी घर की सफाई। बच्चे तो करते ही ऐसे हैं, लेकिन
क्या करे, करना तो हमें ही है, तो बस सफाई करूँगी मैं अब, उसके बाद करूँगी डिनर तैयारी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। इसको तो मोमोज की दुकान पे देखो, पता क्या फायदा हुआ हमारे मंगाने का, इससे तो हम नीचे ही ना खा लेते। चार प्लेट मंगा लेता इससे तो वो दिखा भी नहीं रहा है। बहुत है भैया, मैं तो ले आते देखो, अब पता इसको देखो भाई मैं क्या करूँ, कहाँ कहाँ से चुराऊं दे छवि खा दे। थैंक यू मेरी बुआ, खत्म सारे खत्म, नीचे रुद्र मुझसे फोन मांगने आया है कि मम्मी मुझे फोन दो, मेरे फोन की बैटरी हो चुकी है लो और मैंने चार्ज पे लगा रखा है, तो फिर इसलिए मैं जरूरी फोन से ब्लॉग बना रही हूँ, बंद ही नहीं हो रही है। तो मिलते हैं आपसे इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, बाय। मतलब का लड़का ये शीशे में दिख रहा है साफ साफ।